Hello everyone, good morning to all of you. I am Sharda, English teacher behalf of Surat School. Surat School is the best school in academy. I feel proud to be a part of Surat School. Students, we will discuss about countable and uncountable nouns. Firstly, I will tell you what is the countable nouns. Students, सबसे पहले हम पढ़ेंगे countable nouns क्या होती है. Nouns that we can count are called countable nouns. जिन nouns को हम count कर सकते हैं उन्हें हम countable noun कह सकते हैं. सरल भाषा में जिन भी चीजों nouns को हम count करें वो है countable nouns. Example, pen. Pen को हम count कर सकते हैं. Orange. Orange को हम count कर सकते हैं. Book. Book को भी हम count कर सकते हैं. तो ये सभी countable nouns के example है. स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन्स, सभी काउंटेबल नाउन्स है जो वो कॉमन नाउन्स होती है. कॉमन नाउन्स वो सिंगुलर नाउन्स भी हो सकती है और प्लूरल नाउन्स भी हो सकती है. उसके पीछे हम एस या एस का यूज कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन्स के आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं. सेकेंड हमारा है अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है. नाउन्स That we cannot count are called uncountable nouns. जिन nouns को हम count नहीं कर सकते वो uncountable nouns होती है. Uncountable nouns हमेशा abstract noun और material noun होती है. वो हमेशा singular form में मिली, वो हमेशा singular form में होती है. वो कभी भी plural form में नहीं होती और ना ही उनके पीछे हम s या es का uses कर सकते हैं और ना ही उनके आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, मिल्क. मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन. ब्रेड. ब्रेड इज अनकाउंटेबल नाउन. जूस. जूस इज अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते और जूस को हम काउंट नहीं कर सकते. इसलिए ये सभी नाउन अनकाउंटेबल नाउन. अब ये कुछ नीचे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दी गई हैं, जिनको हम चूज करेंगे कि कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है और कौन सी काउंटेबल नाउन. ऑनियन, बर्गर, मिल्क, साल्ट, पास्ता, ऑयल, चिल्ड्रन, रेन, फ्लावर, ऑयल, बैलून्स, वाटर, बुक, सनशाइन, पेंट, ऑरेंज, पैन, शुगर, गर्ल, गो. ये सभी मिक्स है, काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी. तो हम इनको चूज करेंगे कि कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल. सबसे पहले हमारी ओनियन. ओनियन को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन. बर्गर. बर्गर को हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारी काउंटेबल नाउन. मिल्क. मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन. साल्ट. साल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन. पास्ता. पास्ता ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन. ऑयल. ऑयल हमारा लिक्विड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है. चिल्ड्रन. ये पहले प्लूरल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन. रेन. रेन अनकाउंटेबल नाउन है, रेन को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन. फ्लावर. फ्लावर को हम काउंट कर सकते हैं, फ्लावर हमारा है काउंटेबल नाउन. ऑयल. ऑयल हमारा लिक्विड है, ये है अनकाउंटेबल नाउन. बैलून्स. बैलून्स ये प्लूरल फॉर्म में है, इनको हम काउंट कर सकते हैं तो ये है काउंटेबल नाउन. वॉटर. वॉटर लिक्विड है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. बुक. बुक को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं तो ये दोनों फॉर्म में है तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन. सनशाइन. सनशाइन अनकाउंटेबल है, ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन. पेंट. पेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ऑरेंज. ऑरेंज सिंगुलर फॉर्म में है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में भी बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन.
काउंट कर सकते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में है तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। गर्ल, गर्ल सिंगुलर फॉर्म में है, इनको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन, गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं। गोट, गोट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इनको प्लूरल भी बनाया जा सकता है और गोट को हम काउंट भी कर सकते हैं, तो क्या ये काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट, दीज आर अवर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।